नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों, हम देखेंगे 3 जनवरी 2023 के लिए बैंक निफ्टी पे कहाँ पे हमें पीसी को बैंक करके चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, यानी जो सैटरडे या फ्राइडे का मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप बैंक निफ्टी को वीक मत समझिए। अभी ऐसी कुछ वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अब जो कल का सेशन है यानी ट्यूजडे का सेशन है, उसमें बैंक निफ्टी की चाल कैसे हो सकती है इसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सीधे सीधे बैंक निफ्टी में देखिए, 2 बार सपोर्ट इसने अपसाइड पे रेजिस्टेंस ले चुका है। 380 का लेवल इसमें रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो कल के सेशन में अगर 380 के लेवल को ये क्रॉस करेगा तो सीधे सीधे फिर यहाँ से मान के चलिए 609 और 10 के लेवल इसमें निकल के आ रहे हैं। और 910 के लेवल तक अगर मार्केट पहुँचता है तो यहाँ से आप समझ जाइए कि ये एक ऐसा लेवल है, ये जो आप जोन देख रहे हैं 614 से लेके 670 के लेवल, इस जोन से अगर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद अगर अप रैली दे दी तो यहाँ से अगला टारगेट हमारा 43,872 का होगा। तो यहां पे आप मार्केट की चाल को समझ जाइए, बैंक निफ्टी की चाल को समझिए कि ये बोल रहा है कि मैं 44 के लेवल को टच करने की कोशिश आने वाले दिनों में कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर ये लेवल कटता है कल के सेशन में तो फिर यहाँ से जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, 43,610 का लेवल जैसे भी कटेगा तो यहाँ से फिर आप लोगों को बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। 500 के ऊपर जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जो 500 पे 43,500 के कॉल राइटर्स होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। और यहाँ से अगर सपोज थोड़ा इधर मार्केट यहाँ पे 1-1.5 घंटे अगर कंसोलिडेशन करता रहा तो फिर आप समझ जाइए कि मार्केट में ये जो 43,500 के कॉल राइटर्स हैं ट्रैप होने वाले हैं। तो यहां से फिर एक बड़ी रैली आप लोगों को ऊपर की देखने को मिलेगी। और जैसे ही मार्केट 610 के लेवल को काटेगा तो बहुत तेजी से इसमें मूवमेंट आना चालू हो जाएगी, जो कि 43,872 तक इसे लेके जा सकती है। तो यहाँ पे 872 एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से अगर कुछ बेरिश सिग्नल मिलेंगे तो हम यहाँ से 43,900 या 800 की पी को बाय करना पसंद करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अप रैली की बात हो गई है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये हमारा जो ट्रैप जोन है 614 to 672, इस जोन में हमें कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ऊपर भी जाता तो हमें वेट एंड वॉच करना है, हमें इस लेवल पर ट्रेड लेना है जो कि 872 का है। तो ये जो लेवल है 50 से 60 पॉइंट का जो ये आपको जोन दिख रहा है, इस जोन में हमें नो ट्रेडिंग जोन कहलाना चाहिए इसे, और इसमें हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये जो आपका जो ये दिख रहा है सब रेजिस्टेंस लेवल 43,380 का, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें ऊपर की मूवमेंट मार्केट दे सकता है। तो वहाँ की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डाउन साइड में अगर इसे जाना है तो कैसे इसे रिएक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, 43,032 का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसके बाद 42,960 का एक सपोर्ट जोन क्रिएट है, इसके बाद आप जाएंगे तो 42,830 का सपोर्ट जोन क्रिएट है। तो नीचे सपोर्ट काफी ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं। तो मार्केट में आपको अगर शॉर्ट के लिए मार्केट में जाना है तो 42,800 के बिलो अगर मार्केट जाता है, 42,830 के बिलो जाता है, तो यहां से हम 42,900 की पी को बाई करके चलेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, कल अगर गैप डाउन होता है और इसी जोन में कहीं होता है तो यहाँ से हमारा जो है बाइंग प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर पुल करने की कोशिश कर सकता है। तो आप थोड़ा सा ये वाला भी जोन देख रहा है जो 43,032 से लेके 960, 42,962, 43,032 का, ये जोन में भी हमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखिएगा, जब भी मार्केट इस जोन में जाके यहां से नीचे की ओर ब्रेक देगा 42,830 के लेवल को, तो यहां से हम थोड़ा सा सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट 42,500 के लेवल आप लोगों को दिखाएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 800 के लेवल को उसे कट करना पड़ेगा। उसकी भी कई प्रकार की कंडीशन है। यहां पर देखिए, 3-4 सपोर्ट जोन बने हैं। अगर ये 2 सपोर्ट जोन में, नो ट्रेडिंग जोन में अगर यहां से ब्रेक करता है मार्केट, तो यहां से भी हम जो है 42,900
900 या 43,000 की पीई को बाई करके चल सकते हैं, और हमारा एसएल जस्ट 43,050 के ऊपर स्पॉट का लगा के हम इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट की चाल इसी तरीके से होगी, और जैसा कि ऊपरी आपको लेवल मैंने बताया है, जब भी ये 43,610 के लेवल को काटेगा तो आप समझ जाइए कि इसमें जो है सीधे सीधे 44,000 के यहाँ पे रास्ता क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जल्द से जल्द आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।